वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में अल सुबह दरोगा की पत्नी की सोने की चेन लूटने वाले दो बदमाशों को पुलिस और एसओजी टीम ने सोमवार को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। इनमें मुख्य बदमाश किशन सरोज के पैर में गोली लगी है, उसका दीनदयाल अस्पताल में इलाज कराया गया। पुलिस ने इनके तीसरे साथी विकास और लूटी गई चेन खरीदने वाले सोनार शिवम वर्मा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस और दो खोखा, 24,850 रुपए, 5 टुकड़ों में कटी सोने की चेन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त वर्णा जोन ने गिरफ्तार चेन स्नेचरों को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि इनमें मुख्य आरोपित किशन सरोज फूलपुर थाना क्षेत्र के दबेधुआ गांव का निवासी है। दूसरा विक्की उर्फ चंदन जायसवाल जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के असवरनपुर करदाहा का निवासी है। तीसरा बदमाश विकास कुमार और चौथा वह सोनार है जिसने लूट की चेन खरीदी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम रिंग रोड आजमगढ़ अंडरपास के पास संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दो बदमाश मोटरसाइकिल से चांदमारी की ओर से रिंग रोड की ओर आ रहे हैं। इसके बाद श्योपुर पुलिस ने उनका पीछा कर लिया। सूचना पर एसओजी टीम भी पहुंच गई और उसने भी घेराबंदी शुरू कर दी। तब तक लालपुर पुलिस भी आ गई। पुलिस को देख बदमाशों ने मोटरसाइकिल एढ़ी गांव की ओर मोड़ दिया। अपने को घिरा देख बदमाश अर्धनिर्मित चार दीवारी की आड़ लेकर पुलिस टीम पर फायर करने लगे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और वह गिर पड़ा। इसके बाद बदमाश एढ़े गांव की ओर भागने लगे तो पुलिस ने दौड़कर किशन सरोज और विक्की जायसवाल को पकड़ लिया। इनकी निशानदेही पर इनके तीसरे साथी विकास कुमार को उसके घर से दबोचा गया। यह फूलपुर थाना क्षेत्र के मलहत गांव का निवासी है। तीनों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने लूटी गई चेन फुलवरिया के सनातन नगर कॉलोनी के सोनार को बेच दिया है। फिर तीनों को सोनार शिवम वर्मा के पास ले जाया गया। यहां से 5 टुकड़ों में कटी सोने की चेन बरामद हुई। पुलिस ने लूट की चेन खरीदने वाले शिवम वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने पुलिस को बताया कि इससे पहले उन्होंने शिवपुर रेलवे स्टेशन के पास एक महिला की चेन लूटी थी। इसके बाद शांतिनगर कॉलोनी के पास दरोगा की पत्नी की चेन लूटी थी। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल विक्की उर्फ चंदन जायसवाल की है। बता दें कि श्योपुर थाना क्षेत्र के तरना स्थित शांति नगर कॉलोनी के शांति कुंज अपार्टमेंट में रहने वाले दरोगा अरविंद कुमार सिंह की पत्नी विमला देवी की रविवार की सुबह हौसला बुलंद बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली। कल रात चेकिंग के दौरान ही एक बाइक आती दिखाई, रिंग रोड पर आती दिखाई दी। थाना शिवपुर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो साइड से तेजी से निकाल ले गए। पुलिस को और एसएसपी की टीम को जब ट्रक वालों का पीछा किया, वो थाना लालपुर पांडेपुर की तरफ एड़े की तरफ जब बढ़ा आगे, उन्होंने पुलिस टीम पे फायरिंग करी और आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने फायरिंग की। उसमें एक अभी उसको गोली लगी पैर में, दूसरा अभी उसने जहाँ बचा के भाग रहा था उसको पुलिस ने दबोच लिया। उन्हीं की निशानदेही पे जो दो घटनाएं आपको मैंने अभी बताई, 25 तारीख जो शिवपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर छिनैती हुई थी और 30 तारीख को एक अपार्टमेंट के सामने से चोरी स्नैचिंग हुई थी। उनका तीसरा जो साथी था उसे घर से अरेस्ट किया गया और उनकी निशानदेही पे इन दोनों घटनाओं में इन अभियुक्तों ने जहाँ अपना जो सोना था वो बेचा था, जो चेन बेची थी, उनको अरेस्ट किया गया। उनके वहाँ से भी जो 30 तारीख को स्नैचिंग हुई थी उसमें जो चेन थी उसके टुकड़े बरामद हुए और उसकी शनाख्त जो पीड़िता उनसे कराई गई, उसी के संदर्भ में खुलासा है और उन चारों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और इसमें गैंगस्टरिंग कार्रवाई करेंगे। छोड़ा कौन था? क्या कहेंगे पुलिस को? अरे भाई, बहुत बहुत कॉलोनी में कि ऐसा कोई कमाल नहीं किया था, बड़ा धन्यवाद कैसे मिल गया इतना परिश्रम से, बहुत बहुत धन्यवाद है। किसको धन्यवाद है? अरे पुलिस लोगों के, दरोगा लोगों के। कितने दिन मिल गया मालक? कितने समय लगा मिलने में आपको? अरे मिला, वो मिल गया ना, कल गया 6 बजे, आज पता चल गया। कितना आपका माल का उन लोगों का धनबाद, ऐसा कोई 24 घंटा में कोई अभी आज तक नहीं खोजा था।